नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ से। जी हां, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने वाले हैं। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। जी हाँ, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वो शपथ लेने वाले हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके मंत्रिमंडल में इस बार 20 नए चेहरों को जगह दी गई है। इसी के साथ साथ कोई पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है। लेकिन जहां पेज फंस रहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य, जो सिराथू से अपनी सीट हार गए थे, क्या उन्हें पार्टी दोबारा कोई बड़ा मौका देगी या फिर पार्टी उन्हें क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो इसी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जहां ये पता चलने में आया है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। और इसी के साथ देखा जाए तो दिनेश शर्मा को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी जा सकती है। ऐसा लगातार बताया जा रहा है कि इस बार जो योगी सरकार का मंत्रिमंडल होगा उसके विस्तार के बाद उसमें कई बड़े चेहरों को जगह दी जाएगी और महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल इस बार बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बार जो मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा गहन चर्चाएं हुई है। बहुत बैठकें दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल इस बार बनाया गया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हस्तक्षेप था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मंत्रिमंडल को बनाने में काफी कुछ योगदान दिया। तो ये माना जा रहा है कि योगी का भले ही मंत्रिमंडल सीएम योगी का रहने वाला है, लेकिन उसमें कई नाम, कई बड़े चेहरे पीएम मोदी की तरफ से भेजे गए हैं। और इसी वजह से ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या ये बीजेपी में दरार पैदा कर सकती है ये बात, क्योंकि योगी चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे वही हो जिनको वो आगे रखना चाहे, ना कि केंद्र की तरफ से जो नेतृत्व आए उसकी तरफ मंत्रिमंडल बनाया जाए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये सहमति के तौर पर मंत्रिमंडल बनाया गया है ताकि 2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में एक बेहतर राजनीतिक जमीन बीजेपी के लिए तैयार की जा सके। तो देखने वाली बात यही होगी कि जैसे राजेश्वर सिंह जो सिद्धार्थ नगर सीट से इस बार चुनाव लड़े और जीते भी, ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है और ऐसे चेहरों पर दांव खेलने की बीजेपी तैयारी कर रही है। तो क्या ये दांव उन 2024 के चुनाव में उन्हें कामयाबी दिलाएगा? आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।